अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं मोहम्मद अदील, आप देख रहे हैं यूनिक इमोशंस। दोस्तों, मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने यूनिक इमोशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि दिन ब दिन नई आने वाली मोटिवेशन वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। दोस्तों, किसी शहर में एक बहुत ही अच्छा संगे तराश रहता था। उसे अपने शहर के म्यूज़ियम के लिए एक मुजस्मा बनाना था। एक दिन वो सुबह सवेरे उठा और अपने औजार लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा ताकि मुजस्मा बनाने के लिए कोई अच्छा सा पत्थर तैयार कर सके। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक पत्थर पसंद आ ही गया। लेकिन जब उसने अपने औजार निकालकर उस पत्थर पर काम करना शुरू किया तो उस पत्थर ने ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे अपने औजारों के साथ ना काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई और पत्थर देख लो, उसे तराश लो, मुझे नहीं तराशो। संगे तराश को उस पर रहम आ गया, उसने काम रोक दिया और कोई दूसरा पत्थर तलाश करने लगा। इसी पहाड़ के करीब ही उसे एक और पत्थर पसंद आ गया। संगे तराश ने अपने औजार निकाले और उस पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तकलीफ तो इस पत्थर को भी हो रही थी, लेकिन वो पहले पत्थर की तरह रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बल्कि खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, सब्र करता रहा और चंद ही दिनों में वो पत्थर एक खूबसूरत मुजस्मा बन चुका था। शहर की इंतज़ामिया को वो मुजस्मा बहुत ही पसंद आया और उन्होंने उसे शहर के म्यूज़ियम में रख दिया। वो मुजस्मा अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हो गया। रोज़ाना ही बहुत से लोग दूर दराज से उस मुजस्मे को देखने के लिए म्यूज़ियम में आया करते थे। एक रात जब म्यूज़ियम खाली था तो फर्श पर लगी टाइल ने उस खूबसूरत मुजस्मे को आवाज़ दी और कहने लगी, हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर हैं, लेकिन लोग इस म्यूज़ियम में सिर्फ तुम्हें ही देखने के लिए आते हैं, सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होकर अपनी तस्वीरें भी बनाते हैं और लोग मुझे अपने पैरों तले रौंदते हैं, मुझे गंदा करते हैं, मेरी ज़रा भर इज्जत नहीं करते, बल्कि कभी कभार तो मुझ पर थूक भी देते हैं। हालांकि हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर हैं, तो क्या ये मेरे साथ ज़्यादती नहीं है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? मुजस्मा टाइल की बात सुनकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब वो कारीगर, वो संगे तराश हमारे पहाड़ पर आया था? वो पहले तुम्हारे पास ही तो रुका था, उसने तुम पर ही काम करना शुरू किया था, वो तुम्हें एक खूबसूरत मुजस्मा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम रोना शुरू हो गए, तुम तो शोर मचाने लगे, तुम इस दर्द, इस तकलीफ, इस अजियत को बर्दाश्त ना कर सके तो संगे तराश ने तुम पर रहम खाकर तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। उस संगे तराश ने तुम पर काम करना छोड़ दिया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझ पर काम करना शुरू कर दिया और उसने मुझे तराशना शुरू किया। वो तुम्हारे सामने ही अपने औजारों के साथ मुझे काट रहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे दर्द नहीं हुआ? हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन मैं ये बात जानता था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर मुझे कुछ मुख्तलिफ बनना है, अगर मुझे सबसे अलग दिखना है, अगर मुझे सबसे मुख्तलिफ नज़र आना है, अपनी इज्जत और कीमत बढ़ानी है, तो मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना ही होगा, इस तकलीफ से गुजरना ही होगा। और मैं गुजरा, मुझे मेरे सब्र का, तकलीफ का सिला मिला, इसलिए लोग आज मेरी तारीफ करते हैं, मुझे दूर दराज से देखने के लिए आते हैं और मेरे साथ खड़े होकर तस्वीरें भी बनाते हैं।
और तुम्हें अपने पांव तले रोनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। दोस्तों, जिंदगी एक संगीत राश की तरह है, ये भी तुम्हें एक खूबसूरत मास्टरपीस बनाना चाहती है, एक खूबसूरत शक्ल में तराशना चाहती है। जिंदगी में आने वाली हर आजमाइश, हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर नाकामी संगीत राश के उजारों की तरह होती है, जो तुम्हें तराश रही होती है, तुम्हारी कीमत को बढ़ा रही होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में हर स्टोरी में ये बात बार बार कहता हूँ कि जिंदगी में कदर उसकी बढ़ती है जो दर्द को बर्दाश्त करता है, जो मुश्किल वक्त से गुजरता है, जो आजमाइशों से गुजरता है, जो तकलीफ़ों पर मुस्कुराता है। इसलिए तुम्हें भी हर मुश्किल, हर नाकामी को हंसकर गले लगाना ही होगा, हर तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा, वरना दुनिया तुम्हें पांव तले रोनती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ यकीनन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।